अवज़बल बिस्मिल्लाह शतवानजी रहीम आज हम डिस्कस करेंगे एम का जो संडे को टेस्ट हुआ था टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री को उसको हम डिस्कस करेंगे और उसकी केमिस्ट्री पोर्शन को पहला जो है कि इसमें आप लिमिटिंग और एक्सेस मालूम करें सो रेशो को आप देखेंगे दोनों दोनों के फाइव मोल्स गिवन है सो यहाँ रेशो टू है यहाँ भी टू सो बोथ आर सेम सो अगर इसके फाइव मोल्स होंगे तो इसके फाइव मोल्स ही बनेंगे यहाँ पे वन है और यहाँ पे टू है सो अगर ऑक्सीजन के फाइव तो इसके डबल मोल बनेंगे टेन सो आपसे मांग रहे कि लिमिटिंग कौन सा है सो लिमिटिंग इज़ हाइड्रोजन यहाँ पे भी देखें यहाँ पे आपसे मांग रहे कि ट्वेल्व मोल्स ऑफ पोटाशियम कितना तो देखें रेशो क्या है टू रेशो थ्री सो टू मोल्स थ्री मोल्स देगा सो ट्व कितने देगा आपको एक्स सो टू एक्स ठीक है इन टू थ्री टू जीरो सिक्स थ्री वन थर्टी सिक्स अगर एक्स आप मालूम करेंगे सो एक्स विल be इक्वल टू थर्टी सिक्स सो द ऑप्शन विल बी एटीन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अब वन सेवन ग्राम ऑफ एन है सो आसान है सबसे पहले मोल्स में तो वन सेवन सेवन डिडेड बाई फिफ्टी एट पॉइंट फाइव सो टू मोल्स फिर टू को एवेगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करे सो 12.04 पॉइंट जीरो फोर टेन रोज टू पावर ट्वेंटी थ्री या वन पॉइंट टू पावर ट्वेंटी फोर क्योंकि आप इसको टेन से मल्टीप्लाई करें और टेन पे डिवाइड करें सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन वन पॉइंट टू ये वाला द नंबर ऑफ ओर सेल फॉर अगर एल थ्री है सो तो देखिए हमें पता है कि एम की वैल्यू प्लस माइनस थ्री होगी so, सो माइनस थ्री माइनस टू माइनस टू एंड प्लस थ्री सो सेवन विल बी ओरिएंटेशन अब नेक्स्ट है फोटोन ऑफ द लोअर सो सीरीज का होगा ठीक है वेवलेंथ क्या रिलेट टू तो फोटोन ऑफ द लोवेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी इसके होगी पीफ एंड ब्रेक एंड और पास जो है ये किसमें आई आर रीजन में होते हैं ठीक है नेक्स्ट अब आप, आप देखें मैक्सिमम ई e बाई एम हाइड्रोजन के लिए होगी वन ए टी एम बराबर नहीं है सेवन सिक्सटी सी एम के नहीं एम MM एम के बराबर होता है द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ़ गैस एट एट कॉन्स्टेंट अब वर्ट विल बी इट्स वैल्यू द प्रेशर रिड्यूस हाफ करोगे तो ये डबल हो जाएगा टू एक्स क्योंकि इनवर्स रिलेशन है यहाँ पे अगर आप देखिए द वॉल्यूम ऑफ कुट बाई थ्री पॉइंट टू ग्राम सबसे पहले इसको मॉल में थ्री पॉइंट टू डिडेड बाई थर्टी टू सो देट विल बी इक्वल टू पॉइंट वन सो टू पॉइंट टू फोर डी एम क्यूब आ जाएगा क्योंकि वन मॉल में ट्वेंटी टू पॉइंट फोर होता है सो पॉइंट वन में कितना हो जाएगा 2.24 पॉइंट टू फोर डी एम क्यूब या लीटर ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल सिस्टम है ये इसके एक्सेप्ट किसके जो आर्थोरम्बिक है इसका अल्फा बीटा ऑफ द फॉलोइंग कैन हाइड्रोजन बॉन्डिंग सोसान एटरशी एम एंड वाटर आइडेंटिफाई द मालिकुलर फार्मूला है सी फोर एच फोर एंड ओ हैबर प्रोसेस में कितना चाहिए अमोनिया फार्मेशन के लिए फोर हंड्रेड टू फोर फिफ्टी फ्राम द बुक आयोनिक प्रोडक्ट इज़ लेस दैन के एस पी अब देखिए के एस पी ग्रेटर है किस से आयोनिक प्रोडक्ट है सो so, मतलब अनडिजॉल्व साड ज़्यादा है सो so प्रिसिपिटेशन नहीं होगी सो ऑप्शन डी डेल्टा एन अगर जीरो के बराबर हो तो इसका मतलब के पी इज इक्वल टू के एक्स के पी इज इक्वल टू के एन एन सो ऑन रिएक्शन डेट फॉलो थर्ड ऑर्डर का फ्राम बुक सो गेस फेज ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड अगर आप यहाँ पर देखें टू एन ओ ओ टू सो टू एन ओ टू सो दिस इज थर्ड ऑर्डर वन और वन को जमा करें नेक्स्ट आपका That will be, अब यहां पे देखें देखें कंपेयर टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कंप्लेक्स एंडोथर्मिक रिएक्शन रिक्वायर्स आपका अगर एक्सोथर्मिक है ये तो नीचे प्रोडक्ट बनेगा उस एक्टिवेशन एनर्जी मोर यहाँ पे लेस स्मॉलर एक्टिवेशन रिवर्स प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड ऐसा यूनिट ऑफ जाउल पर ग्राम पर कैलवन हो गए यहाँ पे आप देखिए प्रोसेस इन्वाल्विंग सॉलिड एंड लिक्विड हैव देयर सो डेल्टा हैच इज इक्वल टू डी ई के वॉल्यूम जीरो होगा एंड रेडॉक्स रिएक्शन एस टू सो रिड्यूस केमोनोफोर करेगा ठीक है और ख़ुद ऑक्सीडाइज होगा तो जिंक डिप्लेस कॉपर क्यू करेगा क्योंकि स्मॉलर रिडक्शन पोटेंशियल देन कॉपर है द मालिकुलर शेप ऑफ एक लॉन्ग पेयर है और सो मतलब अमोनिया की तरह स्ट्रक्चर है सो देट विल बी क्या होगा दैट विल बी ट्राइगोनल फायरामेडल होगा मालिकुलर हैविंग हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी एचएफ ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा सो स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे द बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम वन पॉइंट थ्री फोर है सिंगल वन पॉइंट फाइव फोर है और अगर आप डबल को दे ट्रिपल को देखे वन पॉइंट वन नाइन एक्स्ट्रांग होता है नेक्स्ट देखें चूज द एलिमेंट डेट फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड लिथियम क्योंकि फर्स्ट जो मेंबर होता है हर ग्रुप का उसका बिहेवियर चेंज होता है चाहे वो फर्स्ट ग्रुप का हो बेरीम यहाँ पर भी होगा यहाँ पर भी होगा तो रट्टा लगाने की ज़रूरत है नहीं दोनों पे इंडिकेट सुपर ऑक्साइड एंड वाले सुपर ऑक्साइड बनाते हैं एक होता है पहला नॉर्मल ऑक्साइड फिर परसाइड और फिर सुपर ऑक्साइड जिसमें हाफ ऑक्सीडेशन सो रोबीडियम है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोवे नेचर अगेन भी रीलीम वाला है रट्टे की ज़रूरत ही नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस दैलेंश सो टाइटेनियम प्लस थ्री है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन अब यहाँ पे देखिए गौर से बोसी आंसर कीज में सिक्स है विच इज़ रॉन्ग यहाँ पे दो है सल्फेट माइनस सिक्स इस पूरे पे प्लस सिक्स है लेकिन यहाँ पे टू है इसका तो जीरो है सो कोबाल्ट का प्लस थ्री आएगा पायरोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ कंपाउंड हैड्रोसाइकलिक है यहाँ पे क्योंकि एन एच होता है और लाइक जो साइक्लोपेंटेन है उसकी तरह स्ट्रक्चर होता है लेकिन या साइक्लोपेंटीन डाई इन की तरह यहाँ पे अगर आप देखें सो एक दो तीन चार पाँच कॉर्नर यहाँ पे डबल यहाँ पे डबल और यहाँ पे एन है सो दिस इज पायरोल अगर फ्यूरान होगा तो फिर ऑक्सीजन होगा इथाइल आप 170 पे एट गिव्स इतन 140 पे एट गिव्स ईथर आपके पास और रूम पे इथाइल हाइड्रोजन सल्फेड देते सो इतिन इज़ द करेक्ट वन कंप्लीट क्या हो जाता है डीहाइड्रेशन लेंडर केटलिस यूज टू प्रिवेंट हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कि्कीन क्योंकि अल्कन जब अल्क में कन्वर्ट होता है तो आप उसको स्टॉप करते हो अल्कन स्टेज पे वे प्रोवाइड लेंडर केटलिस जिस क्विनोलिन प्लस बेरियम सल्फेट के बराबर होता है ये क्विनोलिन है ठीक है और बेरियम सल्फेट इन दोनों के मजमुए को लिंडलर कैटलिस्ट कहते हैं नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटा सो एन आर टू ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है सो देट वन बेनजीन आल्सो नोन एज रिसरसिन क्योंकि मेटा पोजिशन आइडेंटिफाइड है एलेक्ट्रोफाइल कार्ड इज एसेम सो दैट इसलोर से अगर आप क्लोरिन निकालेंशन वाला रिएक्शन यहाँ पे विच ऑफ दाइड्रोजन सो टर्मिनल अलकाइन जिसके कार्बन फर्स्ट पेट्रिपल बॉन्ड होते हैं जितने भी अल्काइंस होते हैं वो एसैडिक होते हैं ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑन सबस्ट्रेट फेवर क्या एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करेगा अब देखिए द एस एन वन रिएक्शन मोस्टली रिजल्ट इन पार्शल रिसिमाइजेशन देयर इज अच्छा अब यहां पे देखिए इनवर्जन ज्यादा होगा क्योंकि जब टर्श्री कार्बोकेटाइन बनता है ना यहां पे ये देखिए टर्श्री

द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉस फोर पी इन सब के लिए अगर आप देखें ना तो एन प्लस एल रूल से निकाले, तो इसके लिए क्या आएगा 5 इसके लिए भी 5 आएगा इसके लिए सिक्स इसके लिए सिक्स इसके लिए भी सिक्स आएगा और इसके लिए भी सिक्स आएगा लेकिन यहाँ पे फिर आप किसको फॉलो करें फोर डी पर फाइव और यहाँ पे अगर आप देखें सो फाइव प्लस टू सेवन आ जाएगा यहाँ पे फोर प्लस थ्री इज़ इक्ल टू सेवन सो पहले फोर एफ सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन एन प्लस एल रूल आप अप्लाई करेंगे एन क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आगे लगा होता है और एल की वैल्यू अगर आप देखें सो so एस के लिए ज़ीरो पी के लिए वन डी के लिए टू और एफ के लिए थ्री होता है सो so, दोनों को आप जमा करें एन आगे लगा होता है एल की वैल्यू यहाँ से लगा सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन यहाँ पे रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ ब्रोमीन सो ऑटोमेटिकली टू फोर सिक्स ट्राई ब्रोमोफिनोल बनेगा <coughs> ये यह यहाँ पे देखिए मैंने किया हुआ है so, सो ये वाला एम सी क्यू यहाँ पे है सो फोर पी फाइव एस इन सब को देखें सो यू विल गेट यूर आंसर यहाँ पे देखें प्रोपाइलिन ग्राई मिथालीन ग्लाइकोल प्रोपाइलिन ग्लाइकोल यहाँ पे देखें इसको कहते हैं ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकोल सो यहाँ पे क्या बहुत आर पोजीशन आइसोमर्स है द रिडक्शन ऑफ अल्डीहाइड एंड कीटोन टू क्लेमेंसन क्लेमेंशन एल्डीहाइड एंड कीटोन ऑन रिएक्शन विद विध फॉर्म ऑक्साइम बना के देता है आपको फेलिंग सोलूशन क्या करता है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डियाइड और कॉपर को रिड्यूस करता है प्लस टू से प्लस वन में द कन्वर्जन ऑफ एसिड हेलाइट टू ईस्टर पायरोडीन इज यूज क्योंकि ये पॉइजनस है तो इसको पायरोडीन एब्जॉर्ब करता है एच सी एल को फ्राम अगेन फ्राम द ग्रो द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन वेलैरिक एसड वेलेरिक एसिड एक दो तीन चार पाँच जिसमें पाँच कार्बन हो और ये क्या है पेंटनाइक एसिड है और प्लांट वेलेरिनिया से ये हासिल किया गया है तो इसलिए इसको वेलैरिक एसिड कहते हैं द आइपिंग नेम ऑफ फार्लोराइड अब देखें यहाँ पर एक कार्बन है सोमीतेन और फिर ऑयल लगता है एसिड हेलाइट के लिए और क्लोरीन है सो क्लोराइड सो ऑप्शन ये वाला मीथेन ऑयल या मितेन ऑयल क्लोराइड आ जाएगा इनहिबिशन इन विच सो अनकम्पटिटिव इनहिबिशन होगा ट्रिप्सो नेजिन कैन बी एक्टिवेटेड बाय सो इंटीरोकाइनेज होगा यहाँ पे क्रिस्टल हैविंग और क्रिस्टल बेरियम सल्फेट होगा और जो आखिरी है कि अल्कोक्सिन कार्बोनिल ग्रुप जिसमें होगा वो ईस्टर होगा